नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया ध्वजारोहण। जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई और शुभकामनाएं। शक्ति 15 अगस्त 2024 कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ध्वजारोहण किया एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों सहित समस्त जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने भारत माता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तेल चित्र पर फूल माला अर्पित किया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कलेक्टर श्री तोपनो ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य देश की आजादी का सदुपयोग करना है। उन्होंने कहा कि अपने आजादी से किसी को नुकसान ना हो, स्वतंत्रता से ज्यादा लोगों का भला हो, इस उद्देश्य से अपनी आजादी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम भावना के साथ एक दूसरे का सत्य सहयोग करते हुए जिले के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने हेतु प्रेरित किया, जिससे जिले का नाम राज्य के साथ साथ पूरे देश में गौरवान्वित हो सके। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक शासकीय सेवक के रूप में हमें अपने देश व समाज की सेवा करने का अवसर भी प्राप्त होता है। उसके लिए हमें जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आमजन के हित में कार्य करना चाहिए। कलेक्टर ने शक्ति जिले के तेजी से विकास के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्ठा पूर्वक कार्य करने प्रेरित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री बीरेंद्र लकड़ा, संयुक्त कलेक्टर श्री दुष्यंत व्रायसत, एसडीएम शक्ति श्री अरुण सोम, परियोजना निदेशक श्री बीपी भारद्वाज ने भी स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। इसी क्रम में जिला कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने देशभक्ति के ओतप्रोत भाषण, गीत एवं कविता तथा स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री बीरेंद्र कुमार लकड़ा, संयुक्त कलेक्टर श्री दुष्यंत ब्रायस्त, संयुक्त कलेक्टर श्री के एस पेकरा, जिला कोषालय अधिकारी श्री दशरथ सोनी, परियोजना निदेशक श्री बीपी भारद्वाज, डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार, नायब तहसीलदार श्रीमती सुशीला साहू सहित कलेक्टर कार्यालय तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।